नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या आत्महत्या करने वाली आत्मा को अपनी गलती का एहसास होता है। दोस्तों, किसी का सवाल था ये, तो आज इसी पे वीडियो बनने जा रही है। दोस्तों, हर वो इंसान जो आत्महत्या करता है, उसकी आत्मा की विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, अलग परिस्थितियाँ होती हैं, सामान्य परिस्थितियाँ नहीं होती। सामान्यतः बस ये हम देख सकते हैं कि वो ज़िंदगी से हार चुका होता है, या किसी एक ऐसी परेशानी में होता है जिसका और कोई हल उसको नज़र नहीं आता सिवाय अपने आप को ख़त्म करने के, या फिर जैसे कोई कर्ज़े में दबा हुआ है, या फिर कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, किसी की बदनामी हो सकती है, कोई किसी उसमें फंस गया है। तो बहुत कारण हो सकते हैं, कोई शर्मिंदगी का शिकार है, कोई प्यार में नाकाम है। तो हर की परिस्थिति अलग है। कुछ लोग संकट से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, भागने के लिए मौत को भी गले लगाते हैं। बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जिनको ये बोध हो जाता है अपने शरीर को त्यागने के बाद कि उनका जो फैसला था ये गलत फैसला था, क्योंकि ये बोध अपने आप प्रेत योनि की जो विकट परिस्थितियां होती हैं ना, वो करवा देती हैं। पहली चीज़, आपके पास शरीर नहीं है जिसके माध्यम से आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आप भोजन का आनंद ले सकते हो, आप रस का आनंद ले सकते हो, आप संभोग का आनंद ले सकते हो, आप जो सोशल कंफर्ट्स हैं, जो बेसिक भौतिक सुख हैं, लेटना, आराम करना, लोगों से मिलना, टीवी देखना, या घूमना फिरना, यार दोस्तों के साथ वक्त बिताना, इमोशनल बॉन्डिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस भौतिक शरीर द्वारा, कपड़े पहनने का सुख, हर तरीके की ये जो भौतिक चीज़ों का जो सुख है, आनंद है, इससे वंचित हो गए। और जो बेसिक दो चीज़ें हैं, भोजन जो परम आनंद देता है, संभोग जो परम आनंद देता है, इससे वंचित हो गए। और उसके अलावा जो इमोशनल डिपेंडेंसी है, जो प्यार मिलता, अगर किसी से आप बात करते, कंफर्ट मिलता, मतलब कोई तो आपका था जिसको देख के आप बात कर पाते थे, कुछ हल्का महसूस कर पाते थे, अच्छा महसूस कर पाते थे, तो वो चीज़ें सब चली गई बिकॉज़ प्रेत योनि में आने के बाद आप अकेले हो गए। आपको वैसे ही समझने वाला या आपका कोई परिजन या प्रिय नहीं है उस योनि में। तो बहुत सारी चीज़ों का जो ये लॉस होता है, ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है एज़ कम्पेयर टू डैट प्रॉब्लम जिसके कारण आपने आत्महत्या की थी, या कोई करता है तो उस टाइम ये बहुत ज़रूर होता है कि क्या गलती कर ली है। और ये कैसी गलती है जो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। जो वर्ड कहते हैं ना लोग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यहाँ पे दिस इज़ इम्पॉसिबल कि आप वापस अपना शरीर पा लें। तो वहाँ पे वही है, आत्मा परेशान होती है और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। इस चीज़ को रियलाइज़ तो करती है कि उससे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, कि अपने आप को ख़त्म करने के, अपने आप को इस दुनिया से आज़ाद करके, सुसाइड करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर ली है, क्योंकि ना वापस जा सकते, ना शरीर पा सकते, ना शरीर के द्वारा अर्जित होने वाले उन सुखों को प्राप्त कर सकते, और अकेलापन। और ये आत्मबोध इस कारण भी होता है जब और भारी नेगेटिव एनर्जीज कांटेक्ट में आ जाती हैं, वो पड़ताड़ना देना शुरू कर देती हैं, वो तंग करना शुरू कर देती हैं, या फिर आप किसी गलत तांत्रिक के चक्कर में आत्मा फंस जाती है, कोई तांत्रिक कब्जा कर लेता है आत्मा को, उसका गलत इस्तेमाल करता है, किसी और के शरीर पे बांध के भेज देता है, या फिर ऐसे समूह में आत्माओं के में फंस जाती हैं जो आत्माएं बुरे काम करती हैं, बुरे काम करवाती हैं, या फिर अकेलापन खा जाता है, आत्मा भटक रही है, धक्के खा रही है, उसे नहीं पता क्या करे, वो कहाँ जाए। और कई दफ़ा इस चीज़ को लेके भी आत्मबोध आ जाता है, ये रियलाइजेशन हो जाती है कि हमने गलती की, कि जब वो अपनी फैमिली का हशर देखते हैं कि फैमिली बिल्कुल टूट चुकी है उनके इस कदम की वजह से, फैमिली में कुछ भी बचा नहीं है, जो घर वाले हैं उनमें वो प्यार नहीं रहा, वो उमंग नहीं रही, वो खुशियाँ नहीं रही, वो सुख नहीं रहा, मतलब यूँ कह लीजिए पूरी फैमिली तबाह हो गई इस एक इंसान के आत्महत्या करने से। तो आपके इस गलत स्टेप से आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद होते जब आप देखोगे, हताश होते देखोगे, दुखी होते देखोगे, तब भी आत्मा रियलाइज़ करेगी, या मोस्ट ऑफ द टाइम करती है, कि उन्होंने ये वाकई में गलती कर दी है बहुत बड़ी। आपकी की कोई भी नाराज़गी है, कितने भी लेवल की नाराज़गी है, आपने एक दिन बात नहीं की, दो दिन बात नहीं की, आप घर से थोड़ी दूर चले गए, किसी और के पास रह लिए, फिर आप वापस आ गए, तो वो चीज़ फिर भी हो सकती है कि आप दोबारा रीयूनाइट हो गए फैमिली में,
या अगर कोई कर्जा भी है तो आपने इधर उधर से मांग के कुछ भी करके दे दिया, कोई आपको परेशान कर रहा है आपने मदद ले ली जो है सरकार की, या कोई भी आपने और स्तर की मदद ले ली अपने आपको बचाने के लिए, बहुत विकल्प निकल पाते हैं अगर आप वाकई में ट्राई करें। जितना ज़्यादा ट्राई आप मरने के लिए कर रहे हो, उस इतना ज़्यादा शिद्दत से ट्राई आप सॉल्यूशन ढूंढने में करें तो शायद मरने की नौबत ही ना आए। तो उस चीज़ में अगर आप पढ़ते हो, कोई और सॉल्यूशंस ढूंढते हो, तो फिर भी आप वापस आ सकते हो अपनी फैमिली में, फिर भी आप अपने कैसे भी कर कर आके बच सकते हो सिचुएशन से, सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो। पर एक बार ही आप अपनी डेथ कॉज कर लेते हो खुद ही, तो आप कुछ भी कर लो, आप वापस वो ना शरीर पा सकते हो ना वो ज़िंदगी पा सकते हो। और अगर आपकी शेष आयु बची हुई है ना जाने कितने साल, तो वो सारे साल अकेले बिताना, परेशान होके बिताना, उसी दर्द, उसी रिपेंट, उसी गिल्ट में बिताना, यही आपका प्रारब्ध बन जाता है। तो रियलाइजेशन तो होनी ही होनी है कि हमने क्या गलती कर ली है, ये क्या कर ली मिस्टेक। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो गंदी प्रवृत्ति की, ढीठ प्रवृत्ति की होती हैं, दूसरे को परेशान करने के लिए आत्महत्या करती हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको खुद को मारने का गम इतना नहीं होता जितना दूसरे को परेशान करने का होता है, दुखी करने का होता है, अपने घर वालों को तंग करने का होता है, या प्रताड़ना देने का होता है अपने जुदाई की। तो ऐसी आत्माएं जब डेथ कॉज अपनी करती हैं, अपने जिस्म की डेथ कॉज करती हैं, तो ये इस चीज़ की पड़ताड़ना में नहीं होती कि भाई हमने क्या गलती कर दी, ये आत्मबोध इन्हें नहीं होता इस बात का कि ये मिस्टेक थी। ये खुश होती हैं, फैमिली रो रही है, स्पाउस रो रहा है, और चीज़ें हो रही हैं, तो वो खुश होती है कि लो मैंने भी तुम्हें इस तरह रुला दिया। तो वो एक ईविल सोल की एक डेफिनेशन होती है। इस तरीके की जो आत्माएं होती हैं वो पैदाइशी गंदी होती हैं, वो अपने आप को भी बर्बाद करके दूसरे की बर्बादी का मज़ा लेना चाहती हैं। जैसे कहते हैं ना, कई आतंकवादी ह्यूमन बॉम्ब बन जाते हैं, अपने ऊपर बॉम्ब लगा के खुद भी उड़ते हैं, दुनिया को भी उड़ा देते हैं। तो इनकी आत्मा गंदी होती है, ईविल होती है। तो वैसी ही ईविल सोल्स ही होती हैं, खुद की डेथ कॉज करती हैं, जिससे जो उनके साथ वाले हैं वो मानसिक तौर पर, इमोशनल तौर पर परेशान हो जाएं, प्रताड़ित हो जाएं, दुखी हो जाएं, और उस चीज़ का मज़ा लेती हैं कि भाई लो मेरे साथ तुमने किया, या मैं तुमसे नाराज़ था या नाराज़ थी, लो मैंने तुम्हारे को इस अवस्था में ला दिया। घर वाले सोचते रहते हैं, रिपेंट करते रहते हैं, हाय हमारा बच्चा, हाय हमारी ये हमारी वो, उधर खुश हो रही है। तो इस तरीके की गंदी सोल भी होती हैं जो उसके, और इनका खासियत क्या है, ये प्रेत योनि में जाने के बाद भी अपने परिवारजनों का बुरा करती रहती हैं, बुरे पितर बन के लोगों से ग्रजिस निकालती रहती हैं। तो यहाँ आत्मबोध नहीं है जरा भी। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं सुसाइड कर लेती हैं, उसका ठीकड़ा दूसरों पे फोड़ती हैं, सरकमस्टांसेस पे फोड़ती हैं, और लोगों का वैसे ही बुरा करने में लग जाती हैं। उन्हें रिपेंट कुछ स्तर के लिए होता है कि हाँ हमने गलत किया, पर प्रेत योनि में के वासी बनने के बाद वैसी ही जो आइडियोलॉजी हो जाती है, और प्रेतों को देखते हुए कि कोई किसी पर चढ़ रहा है, कोई किसी पर चढ़ रहा है, कोई किसी को पोजेस कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, चल हम भी करते हैं, चल अब इसको पकड़ते हैं, चल उसको पकड़ते हैं, हमें क्या भगवान ने ऐसी परिस्थिति ला दी, अब हम यहाँ हैं, अब हमें कौन देख रहा है, जब भगवान ने नहीं परवाह की तो हम अब भगवान की नियम क्यों माने। इस तरीके की सोच रख के प्रताड़ना देनी शुरू कर देती हैं अनजान लोगों को, उनके शरीर पे आना शुरू कर देती हैं। कोई भी ऐसा शरीर ढूंढती है जिसका मानसिक संतुलन कम है, जिसकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर है, जिसके शरीर पर इजीली कब्ज़ा किया जा सकता है, ताकि अपनी जिस्मानी ज़रूरतें, भोजन की ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो हर तरीके की आत्माएं हैं, अगेन ये डिपेंड करता है सोल टू सोल पे। अच्छी आत्मा भी हैं जो मंदिर में बैठ जाती हैं, आत्महत्या कर ली उसके बावजूद अपने कर्मों को सुधारने के लिए, या एक अच्छी पितर बन के घर वालों के बचाव में बैठ जाती हैं, और बुरी आत्माएं भी हैं जो बुरा करने में ही लगी रहती हैं। तो अगेन हर आत्मा की अपनी कहानी है, अपने सरकमस्टांसेस हैं जो उसे कंपेल करते हैं इस तरीके का स्टेप लेने पे। और हमेशा यही कहूँगा कि ईश्वर ने जो ये आपको मौका दिया है, इस भौतिक शरीर दिया है, वो भी इंसान का, जिसको देवता तक तरसते हैं, इसको अपने हाथों से ख़त्म मत कीजिए, इसकी नेचुरल डेथ होने दीजिए, ज़िंदगी खुशनुमा तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अगर आप वाकई में कोशिश करके उसको ढूंढने की कोशिश करें तो।
और ये आत्महत्या एक बहुत बेवकूफ़ी भरा फैसला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस आपका होगा और किसी का नहीं होगा। अगर आपको बाद में आत्मबोध हो भी गया कि मैं तुमने गलत किया है, तो फिर उस बोध आत्मबोध में, उस रिपेंट में, उस गिल्ट में जब आपकी आत्मा जीवन को जिएगी, अभी तो आपकी गलतियों की जो गिल्ट है उसको आप जीते हो, साथ में आप भौतिक सुखों का आनंद भी लेते हो, खाना भी खाते हो, बढ़िया कपड़े भी पहनते हो, हर काम करते हो, तब आप ये सब करने के लायक भी नहीं रहोगे, बस आपके पास वो गिल्ट और वो पास्ट होगा। तो सोचिए वो अवस्था कितनी खतरनाक होगी। तो इसलिए जीवन की कदर कीजिए और हमेशा कब अपने आप को पॉजिटिव रखिए, हिम्मत अपने पास रखिए कि आप हर चुनौती का, परिस्थिति का सामना कर सकें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत बयादा से परेशान हैं, किसी ने भी आप पे टोने टोटके कर दिए हैं, तांत्रिक अभिक्रम कर दिया है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या प्लैटिनम धुनी या सुपर प्लैटिनम धुनी, घर में जलानी शुरू कीजिए। आप हर तरीके की प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी, भूत प्रेत बयादा का नाश हो जाएगा, तांत्रिकों का के दिए के कोई से भी टोटके हों सबका नाश होगा, आपके दुश्मन अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। तो दुनिया आप मंगा सकते हैं, मेरे द्वारा अभिमंत्रित लॉकेट या कवच पहनिए, हमेशा आपकी रक्षा होगी, रुके हुए काम बनेंगे, बीमारी से निजात मिलेगी। आप धुनी एंड लॉकेट के लिए या कवच के लिए आप मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करें या मोबाइल नंबर 9625911182 पर संपर्क करें। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, मेरा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा जहां आप अपनी प्रॉब्लम लिख के व्यक्त कर सकते हैं, वेबसाइट भी मिल जाएगी जहां पे जाके आप धुनी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।